क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं ब्रिगेडियर कृष्ण सुखीजा जी, और उनके साथ मौजूद हैं उनकी वाइफ उमा जी। और ब्रिगेडियर साहब का ताल्लुक मंडी हीरा सिंह तहसील दीपालपुर से है, अब इसका नाम है मंडी अहमदाबाद। वो 6 साल के थे जब पार्टीशन हुई और इनको इंडिया जाना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा। तो बाकी स्टोरी इनसे सुनते हैं। बहरहाल ब्रीफली मैं बताता चलूं कि ये 1998 में आर्मी से रिटायर हुए और इनिशियली जाके सेटल हुए थे ये जलंधर में, वहाँ से फिर दिल्ली चले गए। तो ब्रिगेडियर साहब, अब खुद ही अपनी ज़ुबानी सुनाइए कहानी, क्या यादें हैं आपके पास मंडी हीरा सिंह की? मेरे को यहाँ पे मेरे को याद है, मैं तकरीबन 6 साल का था, तो मैं स्कूल में नहीं जाने शुरू किया था। हमारे पिताजी की जो दयान नाहिम, उनको भैया जी बोलते थे, उनकी कपड़े की दुकान थी, दैट वाज द बिगेस्ट शॉप इन दैट मंडी हीरा सिंह। उसके दो बड़े बड़े दरवाजे थे और जब आप ऊपर जाना हो तो कम से कम 6-7 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। एंड ही वाज ए वेरी पॉपुलर क्लॉथ मर्चेंट इन दैट एरिया। फिर वहाँ पे जो मंडी हीरा सिंह में जो मेरी याददाश्त है, उसमें रेलवे स्टेशन भी था, बस स्टैंड भी था, मंदिर भी था, गुरुद्वारा भी था और मस्जिद तो थी। तो वहाँ पे आपस में भाईचारा बहुत अच्छा था, अपने चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, सभी का आपस में सारा प्यार पूर रहते थे। और हमारे फादर ने थे, भैया जी ने, तो एक आपकी कम्युनिटी के थे, उनसे वो पग बटानी बोलते हैं उसको पंजाबी में, वो भी किया हुआ था। एंड दे वर ट्रीटिंग एज देयर ब्रदर। तो फिर पार्टीशन में आ गए हम लोग, काफिले में आए कोई 120 किलोमीटर, और उसके बाद जो है We came to Firozpur headwork. वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप में रहे, एंड रिफ्यूजी कैंप में मेरे को याद है क्योंकि 120 किलोमीटर चले, बारिश हो रही थी, तो मेरे जो थाई और ये ऊपर वाला हिस्सा है ये दोनों जुड़ गए थे। तो फिर हमारे चाचा जी ने वहाँ से किसी से गुड़ लिया, वो मेरे को खिलाया, उससे मैं ठीक हो गया। फिर वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप में हैजा फैल गया, तो वहाँ पे हम छोड़ के फिर हम लोग वहाँ से ट्रेन में जलंधर आ गए। जलंधर में हमारे फूफड़ थे, ही वाज ए सिख जेंटलमैन, उन्होंने बोला, मेरे फादर का नाम था लाला वीरपान, उन्होंने लाला वीरपान ऐसे ही उतर जाओ, तो वहाँ पे उतर गए। देन हम चले गए रस्ते मल्ले में जहाँ हम रहते थे, रस्ते मल्ले गए तो सारे घर खाली पड़े थे, ताले लगे हुए थे, तो किसी ने बोला कोई भी घर को ताला खोलो और अंदर चले जाओ। तो हमारे पिताजी इतने स्ट्रांग नहीं थे, मतलब उन्होंने एक दुकान, एक मकान देखा जो कि कच्चा था, वो उन्होंने ताला तोड़ा और फिर वहाँ पे रह गए। फिर अभी मेरे को याद है एक दफा वहाँ पे उस घर में ना नक्शे बहुत पड़े हुए थे, तो फिर जब पार्टीशन के बाद आपस में थोड़े रिलेशन ठीक हो गए, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, तो एक शख्स आए थे पाकिस्तान से, उनसे फिर हमने पूछा ये नक्शे वगैरह क्या हैं, तो उन्होंने बोला था ही वाज ए आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, ये जो सारे जो भी वो बिल्डिंग बिल्डिंग बनाते थे ये उनके नक्शे थे। फिर हमारे जो फादर के एक जो थे वो उनके जो लंगोटिया यार थे वो भी आए, एक दिन हमारे साथ रहे 5-7 दिन, एंड बाकी हॉकी मैचेस होते थे, लोग आते जाते थे, फिर क्रिकेट मैच भी, वन डे सीरीज शुरू हुई, उसमें भी लोगों को आना जाना बड़ा रहा। वहाँ पीएपी ग्राउंड में ना जलंधर में हॉकी मैच बहुत होते थे, यू नो, इंडिया एंड पाकिस्तान में 5-5 मैच, 3-3 मैच। आई रिमेम्बर इन दिसंबर 1960 दिल्ली में इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, फजल खान या फजल खान ही वाज द कैप्टन। तो उन दिनों में तो 5 डे मैच, टेस्ट मैच होते थे, तो
तो मैं उस दफा मैच देखने गया था, दैट वाज लास्ट डे, एंड ऑफ कोर्स मैच वाज ड्रॉन एंड ऑल दिस थिंग। बस यही यादें हैं उधर की। मेरी काफी डिजायर है मैं जाके वहाँ एक दफा आऊँ, लेकिन फौज में होने के कारण थोड़ा सा वीजा का प्रॉब्लम होता है। एंड नाउ माय सन इज ट्राइंग टू मेक सम अरेंजमेंट थ्रू वन ऑफ हिज फ्रेंड फादर हु इज इन लाहौर। वो बोलते हैं कि मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे एक दफा वीजा का भी और उधर जाके चेक जा सके। लेकिन एज यू नो के रिलेशंस आर नॉट दैट गुड, तो इस करके थोड़ा वीजा मिलना आई हैव मी ओन डाउट एंड ऑल दिस थिंग। पता नहीं, आई डोंट नहीं, नो। उसमें ब्रिगेडियर साहब रिटायरमेंट के मेरे ख्याल 4-5 साल बाद तो इतना इशू नहीं होता, तो क्या नहीं इंडियन नहीं वो गवर्नमेंट तो पासपोर्ट में नो वेयर माई रैंक इज रिटन, इट इज ओनली दैट माई नेम कृष्ण चंद्र सुखीजा इज रिटन देयर पासपोर्ट में। लेकिन जब आप यूके का भी वीजा लेते हैं तो कम से कम 20 साल की हिस्ट्री पूछते हैं, आप कहाँ थे, ये थे, वो थे। तो वट मेरे को जो खबर मिली है ये बताया गया है कि पाकिस्तान के वीजा में भी वो पुरानी हिस्ट्री भी पूछते हैं, जी तो जी हो सकता है उसमें दे में से आई बीइंग इन द आर्मी आई मे नॉट बी परमिटेड, आई डू नॉट नो। आई मीन इट्स ऑल दिस थिंग। एंड आई हैव बीन ट्रेवलिंग ए लॉट आफ्टर माई रिटायरमेंट। आई गॉन टू टर्की एट लीस्ट 20 टाइम, दुबई, देन श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, रोमानिया, एंड विद इन इंडिया ऑल्सो आई गॉन मैनी प्लेसिज एंड ऑल दिस थिंग। So there is no restriction in all this thing. My friend had gone to Pakistan to do the audit, social compliance audit, but he was a civilian officer. He could get the visa. There was no problem as such. नहीं, उसमें मेरा ख्याल बाकी है जो है कि यादें तो हैं ही हैं। जी वो अभी जैसा मैं बता रहा था, मैं डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मालूम थी। एंड लोग अभी भी, आपको तो पता है इंडियन कम्युनिटी में वो एक यहाँ पे ज्योतिषी बड़े होते हैं, उनसे पूछो ना, पहले पूछते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जी जी डेट ऑफ बर्थ तो हम जान पता ही नहीं है, तो बोलते जी आपका तो हम वो टेवा टूबा भी नहीं बना सकते, जो भी कुछ जन्म पत्री वगैरह होती है। एनी हो, वी आर बेसिकली फ्रॉम आर्य समाज साइड। माई वाइफ वी स्टडीड इन डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज, तो वी डोंट बिलीव इन दैट जन्म पत्री एंड ऑल दिस थिंग फॉर मैरिजेस। लेकिन फिर भी टू नो अबाउट द एग्जैक्ट डेट एंड डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट दैट साइंस एंड ऑल दोस थिंग। जी आई हैव बीन अ आपकी गुड स्टूडेंट, आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई कुड गेट इनटू गुड कॉलेज एंड डिड माय इंजीनियरिंग एंड ऑल दिस। यू हैव मेट माय, यू हैव टॉक्ड टू माय सन इन द इंटरव्यू, नीरज। जी मैंने इंटरव्यू किया उनका, हाँ, वो वहां बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, जी एंड माई डॉटर शी इज बेस्ड इन नियर चंडीगढ़, इज ए प्लेस नोन एज डेरा बस्सी। सो वी आर ऑल इंजीनियर फैमिली। आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, माई सन इज ए मैकेनिकल इंजीनियर, माई सन इन लॉ इज ए केमिकल इंजीनियर, माई ग्रैंड सन इज ए मैकेनिकल इंजीनियर, नाउ ही डिड गोल्ड मेडलिस्ट इन एम टेक इन रॉबर्ट एंड कम्युनिकेशन, नाउ इज डूइंग PhD इन कंप्यूटर साइंस, प्रेजेंटली इज इन USA 6 months इन USA 6 months इन जर्मनी, इल बी देयर इन कनेक्शन विद दी PhD दैट स्टडी एंड ऑल दिस थिंग। जी आप बता रहे थे कि आप जब प्राइमरी स्कूल में गए आपको एडमिशन दिलाने के लिए, तो क्या कहा मास्टर साहब ने? वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, डेट ऑफ बर्थ का जो था क्या हुआ? नहीं, हुआ ये है कि मेरे चाचा जी, मेरे फादर तो इलिटरेट थे, मेरे चाचा जी मेरे को लेके गए स्कूल में। प्राइमरी स्कूल था हमारे मोहल्ले रस्ते मोहल्ले के पास ही, किला मन्ना होता था, वहाँ पे था। तो वहाँ पे उसने बोला काका कितने साल का है, इट वॉज फेब्री 1948। तो उन्होंने बोला काका 7 साल। पीपल यूज टू फील प्राउड इन गिविंग दी हायर एज ऑफ देयर किड्स एंड ऑल दिस थिंग, काका 7 साल का है, काका 7 साल का है। वो 8 फरवरी 1948 था वो दिन, तो उन्होंने 8 फरवरी 1941 रिकॉर्ड में लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। दैट कंटिन्यूड एंड कंटिन्यूड इन द स्कूल। देन एट द टाइम ऑफ मैट्रिक सेम सेम डेट वॉज रिटन,
But what I could make out as compared to my other schoolmate and college mate, I became 1 year elder to them. You know, this Achha. Is my feeling. So okay. as you know, in the service mein, age plays a very important role. That's so right. I retired earlier than my other friend who were very close to me and all this thing. Because as you know, why there is army or anywhere service, the age plays a very important role, you know. That was the thing. Achha, Mandi Hira Singh. Course, I used to ask my mother. So mother being a literate lady, what she used to say, के वो सर्दियों के दिन थे ये था वो था आई मीन शी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट वाज द डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल दिस ऑफ कोर्स इट वाज रिटन इन दैट इफ यू रिमेंबर करेक्टली पुराने जमाने में सिक्स्थ छठी रात होती थी हमारे कम्युनिटी में वहाँ पे वो वही रेड वाली वही होती थी उसमें छः तारीख छठे दिन को उनको बुला लेते थे पंडित जी को और वो उसमें वो लिख देते थे लाला वीर भान माता लाल देवी के घर में बच्चा पैदा हुआ लड़का पैदा हुआ उसका नाम वो बोलेंगे कहाँ से शुरू हुआ तो वो फिर सारे मेंबर जो फैमिली मेंबर आते हैं उसे पूछते से कहाँ रखना है कोई बोलता था कृष्ण कोई बोलता था केवल कोई बोलता था ये तो उन्होंने बोला चलो कृष्ण लिख दो कृष्ण लिख दिया एंड माई मदर यू नो अवर नेम फोर ब्रदर माई एल्डेस्ट ब्रदर नेम वॉज रामलाल Second brother was Darshan Dayal, and third brother who is still here in Bhagwan Das, and my name is Krishan Chandar. So my mother used to say, Bhagwan Ram Krishan ke darshan kar lo. So all the god of, you know, you can say Hindu, were included in the name of the four son, you know, my three brother and myself and all these things. So those days, You know, the tradition used to be there. People were taking naam jo hai, gods ke upar hi rakhe jate the. Ramla, Ram Kumar, Ram Dulare, something like this was going on during those days and all this thing. To aapka naam, pura naam Krishan Chandar Sukhija hai. Krishan Chandar Sukhija, haan, Krishan Chandar. Aur aapko pata hai na, bahut bade ek writer the, Urdu ke, Krishan Chandar. Haan, I know him very well. I read his... lot of novel and all this thing. I read. Stories. And ek aur the Upinder Upinder Rusk kya naam hai? I don't remember now. You know that chair was from our mohalla Rasta Malla and Kadia Malla. Usne ek kitab likhi hai usme ek ek gali ka naam likha hua hai usne. Upinder Nath Ashk ya I don't remember now his full name and all this thing. And this B.R. Chopra the film maker he used to stay very close to our house, that Qazi Malla. Our was Rasta Malla, wo Qazi Malla mein unka brother the Dharam Chopra, who was a photographer by profession. Uska board abhi bhi laga hua hai wahan pe. Or when we go to Switzerland, when we visit this Interlaken, to usme Yashraj Chopra is the ambassador of Interlaken, uska abhi bhi yo statue unhone banaya hua hai. With that camera and all this thing. So those photograph people, the Indian tourists, when they go, they take a photograph of, because he's got a suit in Ambassador Hotel at Interlaken. He was made the ambassador of Interlaken, you know, as it was. Because the picture, Dil Wale Dulhania, वो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं पंजाब में उसकी शूटिंग हुई थी बट इट वाज इन स्विट्जरलैंड शूटिंग इंटरलाकन बिकॉज वो सरसों के खेत है ना जहाँ नीरा ही रहता है वहीं सरसों के खेत से ही सारा एरिया भरा हुआ है एंड ऑल दोस थिंग्स अच्छा तो ब्रिगेडियर साहब आपके वालिद जो थे काफी प्रॉस्परस ट्रेडर थे बिजनेसमैन थे तो अब हाँ जलंधर जाके उन्होंने कच्चे मकान में क्यों रहना पसंद किया पक्के मकान नहीं थे नहीं, क्या कच्चे मकान में नहीं व्हाट एवर चलें कई लोग थोड़ा ना ज्यादा वो होते हैं ताकतवर तो वो थोड़े से ना मिडियोकर टाइप के थे उन्होंने बोला बड़ा मकान लूंगा हो सकता है पाकिस्तान से वापस आ जाए वो बोले हमारे को घर खाली करो तो ऐसा मकान लो जो हमें खाली ना करना पड़े और वो मकान भी फिर विच वॉज जस्टेड अगेंस्ट द क्लेम
जो कि हम उधर जमीन और घर घूर छोड़ के आए थे, उसी के साथ उन्होंने एडजस्ट कर दिया था वैल्यू वाइज एंड व्हाट नॉट एंड ऑल दिस थिंग. सो दैट वाज यू कैन से आई डोंट से कच्चा मकान, इट वाज गुड, लेकिन छतें कच्ची थी और बाकी हमारा तो बचपन वहीं बीता है, उसी घर में रहे हैं. स्कूलिंग इंटरमीडिएट आल्सो फ्रॉम डीएवी कॉलेज उसी घर में किया है ऑफ कोर्स. फिर बाद में वो घर को थोड़ा ठीक ठाक करवा दिया है एंड ऑल दिस थिंग. तो अभी भी वो घर आपकी मलकियत है या डिड यू सेल इट? नहीं, वो दे दिया हमारे बड़े भाई साहब भगवान दास जी ने, उन्हें घर बेच दिया. नाउ दे शिफ्टेड टू ग्रीन मॉडल टाउन इन जलंधर, वहाँ पे बड़ी कोठी में रहते हैं. बिकॉज वो उसमें बड़ी इंटीरियर में था, गाड़ी नहीं जा सकती थी, स्कूटर ही जा सकता था. इवन आई रिमेम्बर व्हेन आई गॉट मैरिड, तो हमारी वाइफ जो जिनसे आप उमा जी से मिले हैं, वी केम इन साइकिल रिक्शा. आजकल तो लोग कार में आते हैं जी. तो क्योंकि बाजार छोटे थे, बाजार में कार आ नहीं सकती थी. तो अल्टीमेटली जब हमारे वो मेरी नेफ्यू की शादी हुई तो उनको कार उधर से मिली या उन्होंने खरीदी, और फिर उन्होंने वो अगर वो आपने दूर में जाके कार खड़ी करनी पड़ती थी, then they dispose of that house and shifted to new green model town. वो मतलब बड़ी कोठी है, उसमें नीचे ऊपर सारा मकान बना हुआ है, कार रखने की भी जगह है, मतलब सारा कुछ है. तो लोग जो हैं पुराने, अभी नो दैट एरिया ऑफ रस्ता मल्ला टारी बाजार एंड पंचपीट बाजार, इट हैज बिकम ए होल सेल मार्केट. इवन द रस्ता मल्ला विच वॉज ए रेजिडेंशियल एरिया has also become a big market, particularly garment, shoes, all wholesale market in Jalandhar that is famous for that and all this thing. People from nearby villages or nearby small town, they come to Jalandhar on Sunday, they do purchases from there. All type of undergarments, everything is available there and at a very, very reasonable rate. And they buy in bulk and then they take it to their village and all those things. Now, now my brother, they are doing the commission agent job, you know, the wholesale market. There's a Jain cloth market in Jalandhar. So they are working in that area and all these things. और आपकी वाइफ उमा जी, उनका ताल्लुक पसरूर से है, वो बता रही थी कि उनके शी वाज बोर्न इन फिरोजपुर कैंट. And only her brother, he was staying, वो अपने मामा जी के साथ रहते थे, वो पसरूर में थे. अच्छा. तो naturally pre-partition he was about 10 or 11 year old, 12 year old, even maybe a little older also, because now he is nearing 90, 89, 90, his wife is also same age group. So he doing after this BSc honors in chemistry from Punjab University, used to be in Hoshiarpur. वहाँ से फिर चंडीगढ़ में गए, तो ये हुशियारपुर में BSc Honors Chemistry में किया. He went to USA. उन दिनों में तो आपको पता भाई फ्लाइट नहीं जाते थे, शिप में जाते थे लोग. शिप में चले गए, वहाँ पे फिर उन्होंने MSc की Honors Chemistry में, then he did PhD. तो he was working for Dow Chemical Company and all those things. Then now he is in California, settled there, almost nearing 90 now. And both husband and wife, they got a two son, they are all there. So they are taking care of them and all this thing. Achha. We recently, we have gone to USA, we stayed with them for 10 days. We stayed with Neeraj also for almost 20 days. And we have a friend who are my classmate in engineering. Used to say we were sharing the same room in the hostel also in Kashmiri Gate, Delhi Polytechnic, Delhi College Engineering. So those people are at Washington. We stayed with them also for a week or so. And we met our old friend who are in our society here in Bhatla apartment. And for one of the person, he died about 2 years back. We just went to their house to convey our condolences and all those things. Okay. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी बड़ी ख्वाहिश है पाकिस्तान विजिट करने की, अपनी जन्म भूमि देखने की. बिल्कुल बिल्कुल. क्या आपने
कभी कोशिश की वीजा लेने की या कभी लेटर लिखा नहीं, एम्बेसडर ऐसा है, मेरे को थोड़ी रिजर्वेशन थी, मैंने आपको बोला बीइंग इन द आर्मी फॉर 35 ईयर, तो मेरे को मालूम था भी मेरे को वीजा लेना थोड़ा मुश्किल है, बट नाउ आफ्टर रिटायरमेंट देन एक्चुअली आई थॉट आई विल गो विद माय अंकल, लेकिन नो माय दैट अंकल हैव आल्सो लेफ्ट दिस वर्ल्ड, तो नो दे नो बडी हु कैन अकंपनी मी इन ऑल दिस हैं, आई एम आल्सो नो 83 नाउ, तो मेरे नीरज से कई दफा बात हुई, उसके फ्रेंड हैं एक दुबई में ही है शहर, तो वो उनके फादर हैं लाहौर में, तो वो बोल रहा था नीरज मैं ही इज ट्राइंग यू नो थ्रू हिज फ्रेंड दैट इन केस आई कैन विजिट दैट प्लेस इन ऑल दिस हैं, still it is in the you know you can say very very primarily stage because I don't know visa they can help but only they can send some letter invitation letter or something like that so that is there but I hoping that before I leave this world I must visit my birthplace that's hope is always there that's right नहीं जी हमारी दुआ है कि आपकी जो होप है ये रियलिटी में बदले और उसमें एक तो काम आप ये भी कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को या फॉरेन मिनिस्टर को कोई ईमेल कर दें कोई लिख दें तो सम टाइम्स यू नो इस तरह से भी काम हो जाता है तो नहीं आई रिमेंबर दिस आई के इंदर कुमार गुजराल वाज फ्रॉम आवर प्लेस जलंधर ओनली हिज मदर सरला गुजराल यूज्ड टू फाइट इलेक्शन फॉर द एमपी एंड ऑल दिस थिंग टिल ही वाज देयर वी हैड गोन एंड मेट हिम आल्सो नॉट फॉर माय वीजा फॉर सम अदर जॉब एंड ऑल दिस थिंग सो यू नो एनीहो आई मीन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल दिस थिंग ऑफ कोर्स इफ वन कैन यू नो अप्रोच सम सीनियर पॉलिटिशियन मे बी एबल टू गेट थ्रू Of course, you require somebody MP recommendation or something. But my son is quite positive. He says he will be able to manage. And the only thing, the reservation is there, what you will do because I'll be going alone. I mean, there is nobody, you know, my uncle, he did used to say he will accompany me. But now there is nobody. Let's see. Well, hope is always there. Hope is there. It is good to have hope. अभी सर पिंडी में अभी एक खातून आई थी कोई 74-75 years के बाद. हाँ नहीं एक हमारे I remember one of our very senior officer he visited and somebody arranged everything for him and he was very happy he was treated as a guest in that house. I do not know whether you know the story of General Karyapa. Chief So it is a question of you know I mean what should I say and all this thing let us see hope is there and in case I make it it will be good otherwise of course purane ghar ki yaadein to hain hi hain and now to all those people who are of my age maybe 1 year elder or this one they all have left now there is hardly anybody And one thing more, Kirsa, my, you know what happened at our age of 83, when one of your friend, he leaves this world, maybe your same age group or 1 year, the person, he is younger to you, we feel a lot. And I got a, you know, very emotional person and all this thing. But anyway, that's a part of the thing. Allah ki deen, jisko awaaj maar deta hai, wo chala jata hai. Baki jo rehne wale yahin reh jate hain. तो ये जो खातून आई थी जी रावलपिंडी में तो उन्होंने अपना घर पहचाना तो घर वालों से बात की तो वो कहने लगी कि ये हमारा घर होता था वो घर वालों ने कहा जी कि आपका है ये अब भी आपका है आई नो आई एग्री विद यू नहीं आई आई वांट टू कोट अनदर इंस्टेंट
नीरज फ्रेंड वन मिस्टर रफीक हिज फोर फादर वॉज फ्रॉम अमृतसर साइड एंड ऑफ कोर्स वी बिकेम फ्रेंड एंड ही वाज ऑफ माय एज मिस्टर रफीक ही डाइड अबाउट 2 years बैक नाउ व्हाट हैपेंड दैट ही वांटेड टू विजिट अमृतसर तो आई टुक हिम हिज वाइफ इज अ स्विस लेडी आई टुक देम टू अमृतसर We went to because he had the complete address of his forefather Haveli, as you say in Amritsar. They used to call Kucha and Haveli, not like Mohalla or street as other places are being called and all this thing. तो उन्होंने ना वो बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढ लिया वहाँ गया किसी ने बोला जी आप ऐसा करो हम तो पार्टीशन के बाद आए हैं 47 के बाद हमें नहीं पता इसमें पहले कौन रहता था फिर उन्होंने बोला एक शख्स है वो पुराने हैं उनसे पता करो फिर पता किया तो वहीं हवेली थी जिसमें उनके फोर फादर रहते थे एक्चुअली दे वेंट टू युगंडा एंड साउथ अफ्रीका एंड ऑल दोस एंड दे लेफ्ट इंडिया और अमृतसर लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक But he had visited, he stayed with us at our house, at flat in Delhi. And I took them to Amritsar and they were very happy. We took some photograph and all this thing. Of course, we went to Wagha border and that Darbar Sahib and Durgiana Mandir, all these places. I showed them and all this thing. Basically, a nice gentleman. And as I was telling you, my best friend, Colonel Zama, of course, he died a few years back. Still, I remember the Eid we used to celebrate together, Bakrid also. That time, we used to take non-vegetarian. We used to love have kebab and barbecue in their house. And those things are still remembering, I dare. And as I told you, It, that was at Kanpur. Achha, we were posted there. He was also a colonel from the army. I was there. And then, as I told you, in Istanbul, I met one of the friends who was from Lahore, Mr. Khan. So we became very close friends for 3 or 4 days when we were there and all this thing. And we were all talking in Theth Punjabi, you know, we forget about that, you know. The tour which we had taken for a tour, that excursion tour during the Istanbul, he helped with the bloody tour, yeah, let's talk ourselves. So same thing, he said, dekho yaar, aaj mere ko chitti meri biwi ki aayi hai, kal mere bete ki aayi thi, parso meri beti ki aayi hai. Main lambi lambi list bheje ja rahe hain, jaise main yahi kaam karne aaya hoon, unka samaan lene ke liye. Main to apna koi insurance ka case tha, usko settle kar What I am trying to say, the thinking, whether is they from Pakistan or from India, thinking is the same. Same people, same thing. You can't make out whether he's from Pakistan, he's from India, and outside, whether it's in Dubai or anywhere, you can't make out any difference at all. The people live together. They have the social gathering and everything together and all this thing. But these things now, politically, as we all know, who is to be blamed, we don't want to comment on that and all this. Yes. अच्छा सर आपने गुजराल साहब का जिक्र किया गुजराल साहब का ताल्लुक भी आपको पता जेहलम से था हाँ हाँ वो थे लेकिन इधर जो है ना पार्टीशन के बाद वो जलंधर में आ गए और जलंधर में उनकी मदर का नाम था सरला गुजराल सरला गुजराल यूज टू फाइट ए एमपी इलेक्शन इन जलंधर देन गुजराल साहब आए ये भी उधर से इन्होंने वो कौन सी सिटी स्काई सिटी और जो कंप्यूटर वाली वो वहां पे जलंधर को बना दिया बिकेम एज यू नो जलंधर वाज ए गुड एजुकेशन सेंटर इन एडिशन टू स्पोर्ट्स एंड ऑल दोस सेम नाउ तो ऑफ कोर्स दे हैव ए मेडिकल कॉलेज आल्सो नॉट वन टू मेडिकल कॉलेज बिग इंजीनियरिंग बिकॉज व्हेन आई डिड माय इंजीनियरिंग देयर वाज नो डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज इन जलंधर ओनली पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाज देयर एंड ऑल दिस सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दिल्ली फ्रॉम जलंधर either to Ludhiana, the Guru Nanak Engineering College or Thapar Institute in Patiala and Punjab Engineering College, Chandigarh. But I prefer to come to Delhi and did my engineering and all this. So what I'm trying to say, Gujral was a nice gentleman being from, then her brother, you know, that artist is Gujral. No, I met him at the airport. He was heard of his
he could not hear and all this. He could not. And he was trying to put his attache on the trolley. He was finding it difficult. I helped him. Then he just thanked me by verbal, ultimately, later on, he regained his hearing and he became, or he was a good artist. Then his son, that I don't remember, Naresh Gujral, he joined Akali Dal and then he fought election as a MP. Now, these people go on changing the party here and there. I don't know what is status now. आपने आपने सुखीजा जी बात की भाईचारे की, तो हमारे एक जर्नैल थे जो बाद में रहे, मिनिस्टर भी रहे, फेडरल मिनिस्टर रहे कई दफा, मजीद मलिक चकवाल से, उन्होंने किताब लिखी है, ही रोट अ बुक ऑटोबायोग्राफी, और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हम हिंदुओं सिखों के साथ भाइयों की तरह रहते थे। जी नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, बिकॉज आई कैन टेल यू माय फादर जो थे, जो भी उन्होंने जिसे पगड़ी वटाई बोलते हैं, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, डोंट रिमेंबर नॉट एग्जैक्ट वर्ड, ही केम टू इंडिया आफ्टर पार्टीशन, ही स्टेड विद अस फॉर अ वीक और सो, I do not know whether it was officially, unofficially, I don't remember, I was too young and all those things. And we did look after them, and my father told us, he's my brother, And so the relations were very good. Even if you remember Sunil Dutt, Kuldeep Nayyar, they have been doing their mess candle, they used to, one candle near the Wagha border, every year they used to go. Sunil, that it is best to make that some sort of breakthrough is there. Now recently when we had now gone to Berlin, the Berlin Wall, if you happen to go there and see how these two, those generation, East and West Germany, they were separated out, but then they joined together. Now, it is just a small canal between them. And you see, the wall is broken at so many places. Khrushchev and what is the Russian, and their photographs are there. It has been painted. The whole Berlin Wall has been painted with a lot of scenery and whatnot. And there is Charlie Chaplin stop there during our tour and all this thing. There they have given the history, how the Berlin Wall was broken, how the people have fought for to unite both. Because their one brother was in East Germany, other brother was in West Germany. That was the case in India and Pakistan. What happened, what you say, two nation theory, whatnot, and all the same. Of course, those days are now gone. So somebody blame Mahatma Gandhi, somebody blame somebody else, somebody blame Dinna, somebody blame this one. So those days are now, those things are gone now. But definitely, it was not the right step for for dividing India and Pakistan to concede, which has been till today, as on date, we are suffering as an account of that. These are my personal view. Of course, I'm not a politician. As an army man, I'm not supposed to be involving any politics as such. But then you go through the paper, you see this one, and particularly the person which you have referred, that who has written the book. I tried to meet him last time also when he was in India, in Delhi also. So he talks about this bhaichara to hai hai, hona bhi chahiye, lekin let's see. आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में प्रोफेसर इश्तियाक अहमद की, जो स्वीडन में रहते हैं। हाँ या उसी की मैं बात कर रहा हूँ। जी। No, I tried to meet him this time when he was there last year, and there was a point, one gentleman was there who was coordinating. He did say he will let me know where, how to come to that place. Some place was there in. Actually, they come and say in somebody's either house or maybe in some big five-star hotel or four-star hotel. So he did say that he will be able to manage my, I don't say interview, just to say hello to him. But I did talk to him two or three times.
एंड ही सेज सुखीजा साहब ऐसे हैं, आप सोन सो पर्सन इज देयर, यू जस्ट टॉक टू हिम, एवरीथिंग इज बी कोऑर्डिनेटेड बाय हिम. सो एनी हो आई कैन अंडरस्टैंड, टू बिजी ए मैन, सो नेचुरली he went to Lucknow, he went to Jalandhar, he went to Amritsar, he went to Ludhiana, all those places, a single person going, you know, for those short period, for about 15 days or 20 days, something like that. So it's very difficult for him to meet the people. But he's enjoyed his stay in India and all the things, that was, I know. That's right, that's right. उनको एक्चुअली इनवाइट किया था, वहां महाराष्ट्र में एक फोरम है नासिक में. हां जी, आई नो, आई नो जी, वहां से आई नो ही इज ऑल बैक हिस्ट्री. इन फैक्ट नीरज हैज बीन फॉलोइंग हिम, माय सन, सो ही डिड मेंशन टू मी. नासिक में उन्होंने बुलाते हैं उसको, आई थिंक एवरी ईयर और समथिंग, एंड देन ही कम्स टू दिल्ली, एंड देन यू नो दिल्ली इज अ प्लेस, यू नो, बीइंग ए You know, normally flights are coming here. Of course, these days flights are there from all the places. But all year round, the one has to come through Delhi and all this thing. Anyhow, that is a, let's see when he come next time, I may be able to meet him. But he is too busy, no doubt about it. He's and, very busy, yeah. Very, very busy. मैं सर एक उनसे मिला एक दफा, इंडियन स्कॉलर हैं एक, जिन्होंने पीएचडी की खातून है, वो लेडी हैं इंग्लैंड से ना, तो उनसे मैंने यही पार्टीशन की बात की कि भाई इंडियंस जो हैं वो कहते हैं कि पार्टीशन वाज अ बिग मिस्टेक एंड अ ब्लंडर, तो अब जो है इंडिया क्यों नहीं चाहेगा उसको अनडू करना ना, तो उस पर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि पार्टीशन वाज अ बिग मिस्टेक एंड अ ब्लंडर, लेकिन नाउ यूनाइटिंग दीज टू कंट्रीज विल बी अ बिगर मिस्टेक. तो मैंने कहा जी वो कैसे, कहने लगी कि बोथ दीज कंट्रीज हैव डेवलप्ड विद डिफरेंट पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस. तो हमारे यहाँ जो है जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम डेमोक्रेसी और इलेक्शन के जरिए उसका हल ढूंढते हैं, जहाँ पे भी कोई मूवमेंट होती है कुछ इस तरह. तो आपके यहाँ जो है वो मिलिट्री की तरफ देखा जाता है, तो ब्रिंगिंग दीज टू कंट्रीज टूगेदर विल बी अ डिजास्टर. तो अब यही रास्ता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो अच्छे नेबर्स की तरह रहें और एक दूसरे के शहरियों के लिए, अपने शहरियों के लिए आसानियां पैदा करें कि इंडिया के लोग पाकिस्तान आसानी से आ सकें, पाकिस्तान के लोग आसानी से इंडिया जा सकें. नहीं, उसमें इन सब ऐसा है कि द ओनली थिंग इज दैट मैन टू मैन कॉन्टेक्ट, यू नो, यू कैन टॉक ऑन टेलीफोन, यू कैन गो थ्रू द यूट्यूब, यू कैन on the Facebook and all this thing. I have few friend on Facebook, you know. The problem come, you know, moment there's politics involved, so it becomes very difficult. Because now Delhi, if you remember, as on date, something is going on in Pun, because I was in Pun sector, Rajouri sector, I know the condition over there. Delhi, some people are, no, they are, no, who are the people, they say, Pakistan say, no, no, they are not their people. Whosoever is there, but the Indian troops are being, you know, a lot of things are going on. I think let's not discuss that. Because I can only give you the example of Berlin Wall. If you happen to go to Berlin and see that Berlin Wall, you will cry yourself, why? If East and West Germany cannot can join together, why not India and Pakistan? It is not at all difficult, but these everybody has got his own. India has got his own democracy, and Pakistan, as you know, what that lady was telling you, she's right in a rate, because there everything is controlled by the army or military. So now the difference are there. Now what is happening to the ex that president or chief prime minister Imran Khan? Nobody knows what will happen. What happened to Bhutto? What happened to, you know? Nobody knows. You know, the politics is such a, I don't say dirty game. It's such a complicated game that we cannot understand. As is the common person like us. जी, मतलब उसमें ना ब्रिगेडियर साहब, अगर दोनों मुल्क जो हैं ये जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी ने ज्वाइन किया ना भी करें,
शॉर्ट ऑफ दैट, अगर आपका बॉर्डर सॉफ्ट हो जाए एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग आल्सो टू टेल यू, देयर शुड नॉट बी. बट व्हाट हैपेंड, अभी वो अभी यस्टरडे आई वाज समबडी वाज सेइंग दैट फ्रॉम द ड्रोन, ऊपर वाला जो हवाई जहाज क्या बोलते हैं उसको, जी जी, उसमें से उन्होंने दे हैव थ्रोन सम हीरोइन, वो क्या बोलती है, क्या बोलते हैं यार ये, हाँ हीरोइन वगैरह वो फेंकी है करोड़ों रुपए की. यू नो दीज आर द थिंग, अभी वो वालो इधर आई तो समबडी मस्ट बी पिकिंग अप दोस थिंग एंड सेलिंग इन द मार्केट. एंड वन ऑफ द रीजन आई वाज टोल्ड, इट मे बी रॉन्ग आल्सो, वन ऑफ द रीजन विच नरेंद्र मोदी डिड फॉर द दैट क्या था उसको नोटबंदी को, because there were a lot of you know jali note was being in circulated, and in order to snap that he did that. I do not know whether it was right or wrong, but definitely things are not going the way it should have gone and all. What I was told, Jinnah was suffering from cancer. Now if Nehru knew that he was suffering from cancer, he should have given Jinnah, he should have told him, okay, you become the prime minister and I become the home minister, your foreign minister, and Gandhi would have agreed. Now the question comes here that nobody knew Jinnah was suffering from cancer and he died within few years after partition. Whether it was known to them or not, nobody knows. But everybody knows there is no care for cancer. Where my son is working, he says in their factory, pharma factory, they have developed a medicine for the cancer, but it's very, very expensive. Sunil Dutt lost his wife, Nargis, cancer. So many people, and how many people can afford to go to the foreign country for the treatment of cancer? You and me cannot go. We have to live with our own country and whatever best medicines are available for cancer, mammography there. You know, my own Neeraj father-in-law, he died of cancer. He went through the mammography at least 20 times, but he could not survive. So the question come here, had he known that cancer, the Jinnah was suffering from cancer, probably things would have given a different shape. And what I was told, at the time of partition, the person who divided India and Pakistan, the boundary, he never visited India. He said Lahore was probably Amritsar was a part of Pakistan, Lahore was a part of India. And, you know, so many things, you know, people say, but last moment, may they change. If Fazilka should have gone to Pakistan. So these things are there, but we only hear from the history only, but we don't know what exactly was the thing and all those things. Anyhow, I think let's not talk about politics, because it's not a game to be, at least we are just ignorant. We have no knowledge about politics and all this thing. उसमें सुखीजा जी बात यह है, कुछ लोग कहते हैं कि जिन्ना साहब को टीबी थी, ज्यादातर यही है कि टीबी थी. अब कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू किया कि शायद कैंसर था. बहरहाल, व्हाट इज डन इज डन. आई एम इंटरप्टिंग यू. आई आस्क्ड इन वन ऑफ द सेमिनार, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम ए वेरी रिनोड स्पेशलिस्ट इन कैंसर. आई आस्क्ड हिम, डू यू से दैट टीबी, a person who has suffered from TB can be converted to cancer? He said yes. He said TB is curable, but still some germ or something is left behind that can be converted into cancer also. This was he's a highly qualified person who gave this thing, because my own eldest brother, he was suffering from TB. And ultimately in the PGI Chandigarh, and he was diagnosed with that cancer and all this. You know, it happens. So, you know what happened, that cancer is not curable, but now as my son was telling, it has got some medicine, which of course is expensive. Even for diabetic also, I am a diabetic.
So they were telling they have developed a medicine for diabetes, though it is very expensive, only one time injection, and you'll be cured from the diabetes. Achha. This is what they he was telling me, and let us see. But then you know, the still what should say, the research is going on for the cancer therapies. Let us say, in case it come, at least the people who can afford, they should be able to cure. Whosoever gone, like Yuvraj, he went outside. Rishi Kapoor also went, whosoever, almost cure, but last moment he again collapsed. Monisha Karola suffered from cancer. He's then so many other actresses and all this thing. Because the question comes here that, you know, those who can afford a treatment in the foreign country, they are cured. But within India, you know, it's a question of time. But you should have three things you should have. One is you should have, the patient should have the, what I should say, family support. He should have the willpower, and he should say he is not going to die, he will continue. Do cheeze agar uske dimag mein hain, and I have seen people surviving for years together, though suffering from cancer, but anyhow, that's a part of the game. अच्छा सर, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, आपने भी जिक्र किया कुलदीप नैयर साहब का, तो कुलदीप नैयर जो थे वो सियालकोट से उनका ताल्लुक था, और वो बड़े फॉर्चुनेट थे कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो है अच्छे होने चाहिए. बहुत बहुत I have got his book written by him. I don't remember the name, actually is lying in my almara only. I read that book. He talks of, you know, very nice gentleman, and I understand he was very, very close to the Prime Minister and all this thing. I don't know, Gujral, other people also. He was a good writer, good journalist. But what happened, you know, these people are not given the respect. All this thing. They just go away, just like any other person. Every year they used to go to the, every year they used to go to the Wagha border. People from Pakistan will come, the like-minded people, and from India also, Kuldeep Nayyar and so many other people go, and they will candle, they will put the candle on either side. And but hey, just see, you know, on the Wagha border, I don't know whether you have gone any time or not, you know, is a lot of slogan being done from the Pakistan side as well from the Indian side. And people go into Josh and whatnot and all this. They are also our friend only. They're just across the border. And this is what, this is only a gate. What happened last time when we went, so we went through the gate that he took us on the right side, a BSF person, because I have a friend, his daughter, she's a senior DIG officer. So he took us there. So I saw a lot of people on the other side. So I just said, anybody from District Montgomery? So the person, sub-inspector who was accompanying me, he says, sir, don't do all these things, it is not allowed. And a lot of, you know, other foreigner was also there in that group on the other side, his side also. Okay. तो बहरहाल जी, कुलदीप नैयर को मैंने कई दफा सुना सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, और खुद मिला भी उनसे, उनके घर पे भी, दिल्ली में भी मिला. तो ही वाज सच अ नाइस पर्सन. दो आई हैव नॉट मेट हिम, बट आई नो हिज बुक्स एंड ऑल द सेम, वी हैव बीन सीइंग हिज इंटरव्यू एंड अदर प्लेसेस आल्सो, सम टाइम इन द सेमिनार एंड ऑल दिस थिंग. थॉरो जेंटलमैन, थॉरो जेंटलमैन. उनकी किताब, उनकी किताब का नाम जो है ना, शायद डिस्टेंट नेबर्स है. नहीं नहीं, एक किताब मेरे पास है. आई हैव टू नो सर्च फॉर दैट बुक, इट इज देयर ओनली इन माय अलमारा. ओके. आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ, बट इट इज देयर. आई रेड दैट बुक एंड ऑल दिस थिंग. इट वाज अगेन अबाउट द पार्टीशन, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, ही हैज रिटन ए बुक, यू नो, व्हेन Sonia Gandhi went to him. He's also written a book as a prime, when he was the president and all this thing. Sonia Gandhi went to him with his list of the people and all this thing. And then he says how he told her that you are, as per the constitution, the foreign person cannot become the
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सो मेनी थिंग्स ही हैज रिटन देयर यू नो ही हैज शोन हिज लिमिटेशन टू हर नो द क्वेश्चन कम इज पर्सन लाइक कुलदीप नय्यर एंड सुनील दत्त सुनील दत्त थ्रू आउट हिज लाइफ he worked for the you know I he worked for the nation you know for the unity between India and Pakistan but then who the hell nobody bothers you know these people yes. they have got their own kingdom we have got our own kingdom who wants to leave the chair nobody wants to leave the chair that is the problem फिर गुलजार गुलजार जो हैं वो भी काफी इस चीज के हामी हैं बहुत वांटेड यू नो आई मेट हिम गुजराल आई मेट हिम ही वाज द एंबेसडर इन यूएसए देन ही वाज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर व्हाट हैपेंड देयर वाज सम थेफ्ट इन अवर शॉप इन जलंधर एंड द गोरखा जॉनी दे वेंट बैक टू नेपाल एंड देयर वाज द नेपाल इंडिया ट्रीटी where a Nepali citizen cannot be tried in India, he can be tried in Nepal only. So going to Nepal every time and, you know, those thief were kept, Gorkha Johnny were caught. But the question how to go through the case. So I did went to him and go to him and asked me if we can put through the ministry. We gave that point, whether it was discussed or not, I don't know. But, you know, this because we said at least whatever money which has been recovered or that should be returned back to the Indian people whose money was, the theft was committed and all this thing. जी मैं ये सुखेजा जी मैं बात कर रहा था गुलजार की जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक हैं शख्सियत उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान के एक इलाके से गालबन डिंगा से था जेलम के पास का इलाका है डिंगा हां जेलम के पास वो भी ही इज आल्सो अ स्ट्रांग सपोर्टर ऑफ बेटर इंडिया या या यू आर राइट इंडिया पाकिस्तान यूनिटी वाज वेरी स्ट्रांग सो गुलजार नॉट गुलजार ये हां या या इंदर कुमार ना इंदर नहीं गुलजार नहीं ये और है अच्छा गुलजार की बात कर रहे हैं ये राइटर बेटर कोई कोई His wife Rakhi, she has died here, I think, few days back, I think. Who? Rakhi. Acha, okay. Rakhi was married to Vishwas or somebody. That was first marriage. Second, she married Guljar. Okay. And then they separated. There is a daughter, Meghna, I think. Okay. She's a good producer as a writer also. And recently Rakhi, she started drinking too much alcoholic. And she died recently, just about I think. Tumor? She's telling it is tumor that she died. Rumor? That new be. नहीं मैं उसने बोला है यूट्यूब में कंपनी हो जी तो हमने सेपरेटेड भी यू नो हमने काफी बातें कर ली तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स सुखीजा जी नो आई 100% एग्री विद यू द इंडियन पाकिस्तान एटलीस्ट एट द कांटेक्ट लेवल दैट इज मैन टू मैन कांटेक्ट वी शुड कंटिन्यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट But these political leader on both the side, they will not allow us to join together. I mean, as like a Berlin Wall or something like that. But we should try to contact each other. Like you are doing an excellent job. You know, whoever is listening and all this thing, at least they know that people like us or you, they want India-Pakistan unity as such. जी सो थैंक यू वेरी मच सुखीजा जी बस ये दुआ की जा सकती है हमें कोशिश भी करनी चाहिए उसके लिए कि दोनों मुल्कों में जो है ना बेटर सेंस शुड प्रिवेल और हम सिविलाइज्ड और एडल्ट नेबर्स की तरह जो हैं वो आराम से रह सकें एक दूसरे का ख्याल रखें ना कि हम दूसरे एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें माय वाइफ इज कन्वेइंग हर रिगार्ड्स टू यू एंड सलाम अलैकुम एंड
खुश आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट दैट खुशामदी खुशामदी ओके ऑल द बेस्ट और उमा जी का भी शुक्रिया अदा कीजिए मेरी तरफ से हाँ जरूर जरूर उमा जी आपको अदा कर रहे हैं ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू